जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मतलब मेरा ये है, यदि आपको सांप काट लेता है तो आपको कहाँ जाना है और किस जगह जाना है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो जो कि सही जगह जाने के बावजूद वो गलत जगह पहुँच जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में यही दिखाया गया है। यदि आपको सांप काट लेता है तो आपको कहाँ जाना है, ये देखिए मुरली सर को किस तरह से सांप ने बाइट करता है, वो भी कोबरा सांप। तो आइए दिखाते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे लोग अभी भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, इसकी वजह से मैं कहना चाहूंगा आप लोग को कहाँ जाना है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं किस जगह आपको जाना है। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, सूचनाएं मिलती रहती हैं और आना जाना पड़ता है। जीवन जब से मिला है, मौत तब से पीछा कर रही है। तो ऐसे में जहां पर इंसान रहता है वहीं पर हमेशा अनाज, और अनाज खाने के लिए चूहा, चूहा को खाने के लिए सांप, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो चलिए निकाल के दिखा देंगे सांप कौन सा है। तो नज़रें जमाए रखिए, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कम ऑन। हटिया तो दोस्तों, आप देख सकते हैं छोटा सा परिवार यहाँ रहता है और छोटी सी खसिया है, उसी के बीच में ये सांप हमेशा आए दिन हमारे घर में आते रहते हैं। तो दोस्तों, जौनपुर जिले के बगल में ये हरिहरपुर एक गांव है, है ना सर? बोलोगे कैसा? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जौनपुर जिले के जस्ट बगल में एक हरिहरपुर गाँव है ये, है ना सर? जौनपुर से कितनी दूर है? पूर्वांचल बगल में, पूर्वांचल के जस्ट बगल में मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट गार्ड कोबरा है। इसके बाइटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है, जैसे इलाज नहीं हुआ तो। बाहर निकले, उधर देख लीजिए उस तरफ, ये बाहर मत सही देखा, बाहर निकल, बाहर निकल, थोड़ा शांति ऐसा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जब भी ऐसा सांप अगर दिखाई देता है तो उसे मारे ना, क्योंकि ये बेजुबान है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ये आपके साथ खतरा कर सकता है दोस्तों। तो इसके काटने पर सीधा इंसान को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। हालांकि जब भी ये घर में घुसता है तो चूहा पकड़ने के लिए, और जब भी इसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तभी जाकर ये किसी को काटता है, ये तब जाकर ये गुस्से में होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके छेड़छाड़ करने पे, चोक चाक करने पे तब जाकर ये क्रोधित होता है, इसके बाद ये किसी को बाइट करता है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पिटगल्ड कोबरा और इसी को नाग, इसी को फिटार हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। बिहार की तरफ इसको गेहूं के नाम से जानते हैं, और काफी बिग साइज का है दोस्तों, एकदम खाया पिया हुआ लग रहा है घर से। तो चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तो दोस्तों, इसको देख करके ऐसा लगता है काफी खाया पिया है ये। देख लो, बाहर चले जाइए भैया थोड़ा से। अरे ना खाई जाए राजू, तू टच करा हो सर के, अरे कुछ हो, अरे ए रुके काकी जी, मार मार मार, हाँ उसको जरा टच करिए, उसके खाली ऊपर मुंह पे का खुआ वाला कर। अच्छा, जैसे ये उधर जाना चाहते हैं तब जा आप इधर, आप चलिए जी, चलिए पीछे की तरफ। ये आप क्या है, जबरदस्त से यार हो गया ना भैया, भैया भाई भाई लगी बगल, इसको बगल हटाओ, उससे नहीं यार, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, पकड़त रहा वो करी और किरवा जाते ना रहा, मतलब देख क्यों के भागत रहा पता नहीं।
हल्का सा होता था। मारा जी मुंह मकरे नहीं घाव लग गई खाई छुआ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमेशा चूहा खाने के चक्कर में छत के ऊंचाई स्थान पे जाकर के ही छिपता रहता है। तो दोस्तों इस समय ये काफी गुस्से में है, जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है तभी जाकर के किसी को बाइट करता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। हाँ बोलू पकड़ी पकड़ी तुम पकड़ी थी कोई कपड़ा लाइए बांध के शांति बनाइए शांति शांत रहे एक मिनट शांत रही बस आइए तुरंत लाइए तुरंत लाइए चलिए 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 दोस्तों इसे हम डिब्बे में पैक करते हैं और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। तो थैंक यू दोस्तों इसे डिब्बे में पैक कर लिया, इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों जैसा कि आप देखे हैं हमें सांप ने बाइट किया है और हम निकल पड़े हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ और चलते हैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से इलाज होता है। बस धैर्य रखें, कोई दिक्कत है नहीं, नजरें जमा रखिएगा, चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों वीडियो में बस इतना है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिखा दिया है तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि मुरली सर को किस तरह से सांप काट लेता है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वो जल्द से जल्द कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी वैसे ही करना है, यदि आपको सांप काट लेता है तो आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप जितनी जल्दी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पर पहुँच जाते हैं उतनी ही जल्दी आपका यानी कि आपका जान बच सकता है। दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मतलब यही है, यदि आपको सांप काट लेता है तो आपको कहाँ जाना है, आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है जहां एंटीवेनम की दवा उपलब्ध हो, तो दोस्तों आपको वहीं जाना है यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। तो दोस्तों आपको देरी नहीं करना है, यदि इस प्रकार का सांप काट लेता है तो आपको देरी नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सबको देख ही लिया होगा, तो दोस्तों आप लोग ये गलती मत करिएगा किसी सांप को पकड़ने के लिए, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट की होती है, सांप को पकड़ने के लिए हर कोई नहीं कर सकता है, इसकी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना है, चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।